गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो। जैसे कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो में हम अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन कब से करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगी और प्राइस पूल क्या रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे सेट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने वाले टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन, टूर्नामेंट किस डेट से स्टार्ट होने वाले हैं, तो टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन डेट जो रहेगी वो 18 जनवरी मंडे मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट होगा, जो 19 जनवरी 12 AM तक रहेगा। और रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो डिस्कॉर्ड पर रजिस्टर करना रहेगा। वो किस तरीके से आप लोगों को रजिस्टर करना है मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो अभी फिलहाल बात कर लेते टूर्नामेंट किस डेट से स्टार्ट होंगे। सो 18 एंड 19 जनवरी को रहेगा टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन, 20 जनवरी को रहेगा लॉबी क्रिएशन एंड टीम डिसाइड जो कि डिस्कॉर्ड पे होगा। देन उसके बाद में रहेगा 21 एंड 22 जनवरी जहां से अपने मैचेस स्टार्ट होंगे। फर्स्ट होगा अपना क्वालिफाइंग राउंड जहां पे 6 लॉबीज बनेगी जिसमें से कि टॉप 6 टीम्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। एंड टॉप 6 टीम्स जो रहेगी वो सेलेक्टेड होंगी पॉइंट टेबल बेसिस पे। सो पॉइंट टेबल मैं आप लोगों से आगे शेयर कर दूंगी किस तरीके की पॉइंट टेबल है। देन उसके बाद 23 जनवरी को रहेगा सेमीफाइनल जहां पे 3 लॉबीज क्रिएट होगी जिसमें से कि टॉप 4 टीम्स जो रहेगी वो क्वालिफाई करेंगी फाइनल्स के लिए। एंड सेम इज द चीज़, जो 4 टीम्स रहेगी, टॉप 4 टीम्स रहेगी वो सिलेक्टेड होगी पॉइंट टेबल बेसिस पे। देन उसके बाद रहेगा 24 जनवरी जिस दिन हमारा रहेगा फाइनल्स, वहाँ पे 3 मैचेस होंगे, बर्मुडा, पुर्गेटरी एंड कलारी, एंड विनर विल बी सिलेक्टेड ऑन पॉइंट टेबल बेसिस। एंड पॉइंट टेबल आप स्क्रीन पे देख सकते हो किल्स और प्लेसमेंट के क्या पॉइंट्स रहेंगे। और सारे मैचेस का टाइम जो रहेगा वो रहेगा 9 PM मीन्स रात को रहेगा। मेरी स्ट्रीम भी नाइट में ही होगी, मेरी स्ट्रीम स्टार्ट होगी 8:30 एंड मैचेस स्टार्ट होंगे 9 o'clock से। सो फाइनली आप लोगों की मैचेस को लेकर तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी होंगी कि कैसे किस तरीके से मैचेस ऑर्गेनाइज रहेंगे, किस किस तरीके से टाइम्स क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ही दी है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट रहता है इवन उसके बाद भी, तो डिस्कॉर्ड पे एक बार आप कनेक्ट कर लेना एंड डिस्कॉर्ड पे वहाँ पे सजेशन मांग लेना, जो मोड से टूर्नामेंट्स के उनसे आप बात कर लेना, वो आपको सही चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। सो नाउ फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस पूल की। काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि अगर आप टूर्नामेंट्स तो ऑर्गेनाइज करा रहे हो बट प्राइस पूल क्या है, प्राइस पूल भी तो बताओ कि हम लोग टूर्नामेंट ज्वाइन करें तो क्यों करें। सो चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस पूल की कि क्या प्राइस पूल रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले क्वालिफाइंग राउंड में जो 6 टीम्स बुइया करेंगी। ठीक है, एवरी टीम्स को यहाँ पे मिलने वाले 500 रुपीज़। देन उसके बाद जो रहेगा सेमीफाइनल जहाँ पे कि 3 टीम्स जो रहेगी, 3 लॉबीज बनेंगे, 3 टीम्स जो रहेगी जो बुइया करेगी उनको एवरी टीम को मिलने वाला है 1000 रुपीज़। एंड उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल्स जो रहेगा, फाइनल्स में जो टॉप 3 टीम्स रहेंगी विनर को मिलने वाला है यहाँ पे 5000 रुपीज़, सेकेंड जो आने वाला है उसको मिलने वाला है 3000 रुपीज़, एंड थर्ड जो रहेगा उनको मिलने वाला है 1000 रुपीज़। सो यार होपफुली आप लोगों को प्राइस पूल अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टूर्नामेंट हमारा है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज हम करा रहे हैं यार, एक बार फर्स्ट में तो देखते हैं एंड होपफुली ट्राई करेंगे कि इन फ्यूचर जब भी नेक्स्ट कोई टूर्नामेंट में लेके आऊँ तो उसकी कोई अच्छी सी बड़ी सी प्राइज हम रखें जिससे कि आप लोगों को भी मज़ा आए एंड मुझे भी काफ़ी मज़ा आए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में एंड सारी चीज़ों में। सो प्राइस पूल जानने के बाद काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या पता इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने के लिए कोई चार्जेस देने होंगे, कोई एंट्री फीस देनी होगी। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चार्जेस नहीं है। बस आपको सिंपली सा डिस्कॉर्ड डाउनलोड करना है एंड जाके अपनी टीम को वहाँ पर रजिस्टर करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू गाइस। सो जाओ फटाफट से डिस्कॉर्ड जरूर से डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, अभी बाकी बात कर लेते हैं आगे बाकी सारी चीज़ों की। तो वैसे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ कि आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है एंड क्या प्राइस पूल रहेगी टूर्नामेंट से रिलेटेड। सो आप होपफुली आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इवन उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ इशू रहता है, तो डिस्कॉर्ड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग चले जाएंगे एंड वहाँ पर टूर्नामेंट मोड्स जो हैं उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। एंड प्लीज़ गाइड्स कमेंट में मत लिखना कि मुझे ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है, बिकॉज मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी किसी का भी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो डिस्कॉर्ड पे जाइए, वहां पे मोड्स मिल जाएंगे, उन लोगों से आप सारी चीजें क्लियर वहां पे कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहेगा। सो गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, वहां जाना है आपको, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना है। जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड डाउनलोड नहीं किया हुआ डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लेना है एंड देन वापस आके आपको लिंक पे क्लिक करना है जैसे कि आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे।
सो गाइस डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पे आप लोगों को नीचे एक सेक्शन मिल जाएगा बिंदास लीला स्क्रीम वॉर के नाम से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, फर्स्ट यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट, जहां पे कि आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को रजिस्टर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे जैसे इसको पूरा कॉपी करना है, जिसमें कि आपको अपना टीम के नेम्स यहां पे देने, टीम प्लेयर्स के नेम देने, जहां पे उनका इन गेम नेम आईडी जो होगी एंड डिस्कॉर्ड का टैग मस्ट रहेगा। जो भी आपके चार प्लेयर हैं आप उनका टैग दे सकते हैं, एक आप एक्स्ट्रा पर्सन का भी यहां पे टैग दे सकते हैं, बट जो रहेंगे चार पर्सन उनको तो यहां पे कंपलसरी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना रहेगा। सो अपने चार बंदे जो भी आपके टीममेट्स हैं उनको बोल दीजिएगा कि वो डिस्कॉर्ड जरूर से ज्वाइन कर लें। इन सारी चीजें आपको डिटेल्स यहां से पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। देन उसके बाद में जाना है आपको रजिस्टर हियर में, जो आपने कॉपी किया, आपने सारी डिटेल्स आपने डाली वो आपको यहां पे कर देनी है पेस्ट। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी अगर आप लोगों को क्वेरी रहती तो यहाँ पे क्वेरी सेक्शन भी बनाया गया है, तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कि किस तरीके की आपकी क्वेरी है। एंड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो वैसे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई, प्राइस पूल से रिलेटेड, टूर्नामेंट किस किस तरीके से रहेगा एंड टोटल कितनी स्क्वाड रहेगी, सो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। इन सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बात की जाए रूल्स की, कि टूर्नामेंट्स की क्या क्या रूल्स होने वाले, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कुछ रूल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड इवन उसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं तो ये रूल्स आप लोग जाके खुद रीड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये गन स्किन एंड कैरेक्टर्स जो है वो अलाउ हमने रखे हैं अभी इस बार तो। देन उसके बाद में नो हैकिंग, नो टीम अप, दोनों ही अलाउ नहीं है। टीम्स आर नॉट अलाउड टू चेंज प्लेयर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, मीन्स अगर आपने अपनी टीम्स रजिस्टर कर ली उसके बाद अगर आप प्लेयर्स चेंज करना चाह रहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने फोर प्लेयर की जगह एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको दिया कि अगर आपको कभी लगता है कि आपका एक प्लेयर नहीं आ रहा तो फिफ्थ बंदे का आप पहले ही डिटेल्स दे के रखना, ठीक है। देन उसके बाद है द प्लेयर हु आईजीएन एंड कैरेक्टर आईडी हैड गिवन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कैन ओनली प्ले द टूर्नामेंट्स, लाइक आपने जो अपनी आईडी दी है, जो नेम दिया है, वही बंदे टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। इम्यूलेटर्स आर नॉट अलाउड, पीसी प्लेयर्स वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है, ओनली मोबाइल प्लेयर्स आर अलाउड, ओके। नो ग्रुप चेंज अनटिल एंड अनलेस इट क्लैश विद ऑफिशियल टूर्नामेंट, लाइक तुम लोग कुछ भी जो है ग्रुप चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि कोई क्लैशेस या कुछ ऐसा चीज़ें नहीं होती है, लाइक जो आपके ग्रुप्स बने हो, जो आपकी लॉबीज बनी हुई वही रहेंगी, ओके। एंड देन उसके बाद है देयर वुड नॉट बी एनी रीमैचेस, मींस अगर कोई ऐसा इशू हुआ जहां पे हम लोगों को लगता है कि नहीं हमको रीमैच कराना चाहिए तो हम जरूर से वहां पे रीमैच कराएंगे, अदरवाइज वहां पे कोई रीमैचेस नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पे मिनिमम अकाउंट जो रखा गया, मिनिमम अकाउंट लेवल जो रखा गया है वो रखा गया 10, आपका लेवल जो है 10 प्लस होना चाहिए, ओके। एंड अगर आप जैसे कि जो चीज़ पहले बताई गई कि नो हैकिंग नो टीम अप, अगर आप हैकिंग या फिर टीमिंग करते हो वहाँ पे अगर ऑब्जर्व किए जाते हो टूर्नामेंट के अंदर, तो आपकी जो है टीम डिसक्वालीफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद है टीम मस्ट एंटर रूम 5 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट टाइम एल्स देयर स्लॉट विल बी कैंसल्ड, मीन्स लाइक अगर आपका जब भी टूर्नामेंट है जो भी आपको टाइम बताया गया है उससे 5 मिनट पहले आप अपनी टीम को लेके वहाँ पर एंट्री करनी है, अगर आप नहीं आते हो तो आपका जो स्लॉट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देन उसके बाद इफ़ यू डाउट समवन इज हैकिंग चीटिंग रिकॉर्ड योर POV एंड सेंड इट टू मैनेजमेंट, लाइक अगर आप लोगों को लगता है कि कोई बंदा चीट कर रहा है, हैक कर रहा है, तो आप लोगों को वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है ना, आप लोगों को भेज देनी है डिस्कॉर्ड पे जो मैनेजमेंट टीम है उसको। देन उसके बाद है डोंट ब्लेम एनी टीम फॉर हैकिंग चीटिंग मे लीड टू डिस्क्वालीफाई, अगर आप लोग किसी पे बिना बात के ब्लेम करें कि भाई ये चीटिंग कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, अगर आप बिना बात एलिगेशंस लगाते हो तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो सकती है। देन उसके बाद है एब्यूजिव और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद मैनेजमेंट विल नॉट बी टॉलरेट, एक्शन विल बी टेकन, अगर आप लोग कोई भी टीम से यहां पे मैनेजमेंट से कोई भी मिसबिहेव कर सकती है तो करती है तो उनके लिए अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिजर्व ऑल राइट्स टू टेक डिसीजन, सो मैनेजमेंट के पास यहाँ पे राइट्स है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है वॉलेंट ऑफ एनी रूल्स मैंशन अबाउट विल बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, लाइक अगर आप कुछ भी रूल्स यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो सकती है। सो होपफुली सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, रूल्स भी सारे क्लियर हो चुके होंगे एंड आप लोगों के मन में ये भी चीज़ अभी चल रही होगी कि यार मतलब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में आप लोग प्राइस पूल कब दोगे, मीन्स प्राइस पूल कब दोगे हम लोगों को। सो गाइज रिवॉर्ड्स विल बी गिवन आफ्टर द टूर्नामेंट फिनिश, सो काइंडली कॉन्टेक्ट विद द मोड्स ऑन डिस्कॉर्ड। सो मुझे लगता है कि यार अब तो आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, हर तरीके की डिस्कॉर्ड कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रूल्स है, क्या प्राइस है, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। इवन उसके बाद भी कोई डाउट्स रहता है तो डिस्कॉर्ड मोड्स का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता ही दिया है कि उनसे आप एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना तो वो आप लोगों को सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे। एंड गाइज यार देखो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से भी मुझे चाहिए, बिकॉज मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है जो
मैं खुद ऑर्गेनाइज करा रही हूँ, ठीक है। सो मुझे अभी काफ़ी सारे डाउट्स मुझे भी है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्या रहेगा कैसे नहीं रहेगा, बिकॉज एक टूर्नामेंट आपका बोल देना कि भाई बस आप कर लोगे, वही चीज़ें नहीं होती, उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको मैनेज करनी पड़ती है। एंड मेरी गिल्ड के काफ़ी सारे बंदे हैं जो इस चीज़ में मुझे सपोर्ट कर रहे, थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज मेरे बोलने के एक मैंने सिर्फ उनको बोला और वो रेडी हो गए हर चीज़ करने के लिए, इवन वो टूर्नामेंट्स भी नहीं खेल रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो सारा मैनेज करने के लिए बैठेंगे एंड वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एक टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो भाई सारी चीज़ें मैनेज करेगा कौन, तो यही चीज़ है गाइज। एंड उसके अलावा जो एक और पर्सन है वो अपने जेके स्टार, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट मुझे दिखाया है इस टूर्नामेंट के लिए, थैंक्स टू हिम ऑल्सो। एंड आप लोगों से भी सपोर्ट इतना सा चाहिए कि यार आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ताकि यार ऐसा रहेगा कि नहीं चलो मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट करने के लिए मेरे को ये सारी चीज़ें कोई भी प्रॉब्लम्स हुई वो फेस आउट नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, गिल्ड मेंबर्स हैं, जो भी टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तो ज़रूर से जल्दी फटाफट से वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना सभी लोगों को। सो होपफुली आप लोगों को काफ़ी समझ में आ चुकी होगी चीज़ें। एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत पूछना, डिस्कॉर्ड पे जाके पूछ लेना, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय।